वेलकम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिक्स इन्फॉर्मेशन। स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ 472 का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड गेस पेपर। यू क्वेश्चन एग्जाम में हर बार रिपीट होते हैं, जिसकी वजह से इनके आने के चांसेस 100% होते हैं। अगर आप लोग इनकी प्रिपरेशन अच्छे से करोगे तो एग्ज़ाम में 80% मार्क्स इजीली हासिल कर सकते हैं। वीडियो में आके जाने से पहले मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। अब बात कर लेते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पर। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है सूरत बकरा की आयात की रोशनी में दर्जा ज़ैल मौजूद पर मुख्तसर नोट लिखें। इनमें है गाय का वाक्या और किस्सा हारूत व मारूत। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है सूरत बकरा की आयात की रोशनी में किस्सा आदम अलैहिस्सलाम व अबलीस को तफसील से लिखें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है दर्जा ज़ैल आयात करीमा का तर्जमा लिखें। इनमें शान नज़ूल बयान करें और मबाहिला की शरई हैसियत पर एक मुफसिल नोट लिखें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है सूरत आले इमरान की रोशनी में महकमात व तशबीहात और इसके अलावा गज़वे अहद के वाक़ियात की तफसील बयान करें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है सूरत बकरा की रोशनी में तहवील क़िबला के वाक़े की तफसील बयान करें। ने सूरत बकरा की रोशनी में फतह के मौजूआत पर नोट लिखें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है तारफ सूरत आले इमरान तहरीर करें। नेज़ सूरत बकरा मुख्तसर बयान करें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है सूरत आले इमरान की रोशनी में हज़रत मरियम रज़ी अल्लाहु ताला अन्हों और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश के वाक़ियात की तफसील बयान करें। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है सूरत बकरा की रोशनी में तलाक़ और इद्दत के अहकामात तफसील से बयान करें। यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ पेपर को सॉल्व करने के हवाले से कुछ इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन शेयर करूँगी, ठीक है। जब भी आप लोग क्वेश्चन लिखते हैं तो आप लोगों ने कम से कम 3 पेजेस का लाजमी देखा लिखना है, और इसके साथ आप लोगों ने पॉइंट हेडिंग देकर लिखना है, मार्कर का यूज़ लाजमन करना है, साथ में हेडिंग लाजमी लिखनी है और आपकी हेडिंग 15 से 20 होनी चाहिए। जिस तरह के ये आप लोगों का इस्लामियत के रिलेटेड पेपर है, तो इसमें आप लोगों ने लाजमी आयात और उनका तर्जमे के हवाला साथ में लाजमी देना है, पॉइंट वाइज लिखना है, और ये है कि खुश खत लिखना है और खुला खुला लिखना है, और ये है कि 5 क्वेश्चन लिखने होते हैं तो एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं करना। इस तरह आपकी नंबरिंग पर बहुत बुरा असर पड़ेगा, और तमाम क्वेश्चंस को इक्वल टाइम देना है आपने, ठीक है। उसके लिए ज़रूरी है कि आप जब भी सेंटर जाएं तो लाजमन वाच का यूज़ लाजमी किया करें। उस तरह ये होगा कि आप लोगों को एक जितना टाइम देने में इशू नहीं होगा, आपको आइडिया हो जाएगा कि एक क्वेश्चन को कम अज़ कम मैं इतना टाइम दूँगा, तो उस लिहाज से आप लोगों ने जल्दी जल्दी लिखना है, और 5 के 5 क्वेश्चन ही लाजमन लिख कर आने हैं। अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन नहीं भी आता, लेकिन आप लोगों को आइडिया तो होता है कि मैंने ये तैयारी की है, तो आपको जो लगते हैं कि उस क्वेश्चन के हवाले से मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, उनको ऐड करके आप लोगों ने वो क्वेश्चन लाजमी लिखना है। इस तरह ये होता है कि जो पेपर चेकर होते हैं, वो जब आप देखते हैं कि आप लोगों ने पेपर बहुत अच्छे तरीके से लिखा है, तो आपको ईज़िली बहुत अच्छे नंबरिंग मिल जाती है। और अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के जो एग्ज़ाम होते हैं, जो क्वेश्चन पेपर होते हैं, वो हर बार मोस्टली रिपीट क्वेश्चन ही होते हैं, ये आउट ऑफ कोर्स कोई भी क्वेश्चन ऐड नहीं करते, वही क्वेश्चन होते हैं जो उनकी बुक में से होते हैं। लिहाजा ये होता है कि जब भी आप इसकी तैयारी करें, तो आप लोगों को चाहिए कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो गेस्ट पेपर होते हैं, हर साल रिपीट होते हैं, उनको लाजमी देखा करें। और इसके अलावा लास्ट 5 ईयर के जो क्वेश्चन पेपर होते हैं, उनको भी लाजमी देखा करें। और इसके अलावा जो आप लोग अपनी असाइनमेंट सबमिट करते हैं, उनके 10 क्वेश्चन होते हैं, उनको भी लाजमी देखा करें।
और ये है कि ये तमाम चीज़ें जो मैंने अभी आप लोगों के साथ शेयर की हैं, आई होप इनसे आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और ये कि स्टार्टिंग में जब आप लोगों को मिलता है क्वेश्चन पेपर और शीट मिलती हैं, तो आप लोग अगर पहले जाएंगे सेंटर में तो आप लोगों को पहले वही चीज़ें अपनी फिलअप करके रखेंगे, क्योंकि अगर आप वो भूल के आ जाएंगे तो आप फेल ही कंसीडर होंगे ना। तो लिहाजा कोशिश करें कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल वो काम करें, और दूसरे नंबर पर जब आपको शीट मिल जाती है तो आप लोगों ने उसकी लाइनिंग पहले ही करके रख लेनी है। और जैसे ही पेपर स्टार्ट होना है तो आप लोगों ने जस्ट अपने पेपर पर ध्यान देना है। और आई होप ये तमाम चीज़ें आपके लिए बेस्ट साबित होंगी। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की। सूरह बकरा की रोशनी में सब्र और तरीफ़ की फजीलत नेज़ शहीद के फ़ज़ाइल व अहकाम तफसील से बयान करें। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, सूरह बकरा की रोशनी में मुनाफिकीन की सिफात बयान करें। नेज सूरह आले इमरान की रोशनी में तवक्कल व इस्तिग़फ़ार पर नोट लिखें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, इन्फाक फ़ी सबीलिल्लाह पर कुरानी आयात की रोशनी में मकालमा कलम बंद करें, या फिर आप लोग सूरह बकरा के हवाले से इन्फाक फ़ी सबीलिल्लाह पर मुफसिल नोट लिखें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, सूरह आले इमरान की रोशनी में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की शख्सियत के अहम पहलुओं पर रोशनी डालिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, आयतुल कुर्सी आप लोगों ने अरब के साथ तहरीर करनी है, नेज़ इसका तर्जमा भी लिखना है और फ़ज़ाइल बयान करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है, कुरानी आयात की रोशनी में तहवील क़िबला का वाक़िया तफसील से बयान करें। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है, आला इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फतबीउन यहिब्बुकुम अल्लाह यग़फिर लकुम ज़ुनूबुकुम आयात का तर्जमा लिखें और मोहब्बत रसूल पर नोट लिखें। और यहाँ पर जब भी पेपर में दी होती है ना आयात, तो उनको पढ़ने में इसलिए थोड़ी सी टेंशन होती है, क्योंकि पहले से कौन सा इसको देखा होता है। जब भी पेपर बनाना होता है तो उस एक नज़र देखकर ही बनाना पड़ता है, तो इसलिए कुछ गलतियां हो जाती हैं, मिस्टेक हो जाती हैं। और आयात का तर्जमा लिखें और मोहब्बत रसूल पर नोट लिखें। एंड लास्ट पे है क्वेश्चन नंबर 16, नमरूद सब्र और कसाइस के बारे में सूरह बकरा की तफसील अपने अल्फाज में लिखें, और सूरह बकरा के हवाले से शराब और जुए के बारे में तफसील से लिखें। अच्छा जी स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने आप लोगों के साथ 472 के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड गेस पेपर शेयर किए हैं। वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट लाजमी कर दिया करें, ताकि बाकी स्टूडेंट्स भी इससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। और लास्ट में यही कहूँगी, अल्लाह ताला आप लोगों को कामयाबी और कामरानी अता फरमाई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।